फ्रेंड प्रिया पैसे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक सुपर टेस्टी नाश्ता जो कि आप कभी नहीं बनाए होंगे ना कभी खाए होंगे एकदम अलग स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं एकदम न्यू स्टाइल में न्यू रेसिपी। तो मैं पहले थोड़ा सा ही ऑयल दी हूँ, उसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, जीरा गोटा जीरा, उसको हल्का सा चला देंगे। जीरा हमारा जैसे ही चटक जाएगी अच्छी से हो जाएगी। ये देख सकते हो मैं थोड़ा सा ही ऑयल दी हूँ, एकदम ऑयल नहीं दी हूँ। तो ये हमारा जीरा जैसे ही हो जाएगी तो हम उसमें पानी ऐड कर लेंगे। मैं 2 कप पानी ली हूँ, देख सकते हैं 1 कप पहले डाल दी हूँ, दूसरा अभी हम डालेंगे। टोटल में 2 कप पानी यूज़ किया हूँ। पानी डालने के बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे चिली फ्लेक्स या चिली पाउडर, आपके पास जो भी है अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं स्पाइसी के लिए, हल्का स्पाइसी के लिए। तो इधर मैं 1/2 टीस्पून चिली पाउडर ऐड किया हूँ, उसको मिक्स कर दी हूँ। और उसके बाद हम डाल देंगे नमक, नमक आपका स्वाद अनुसार यूज कीजिएगा। मैं 1 टीस्पून नमक यूज किया हूँ। इधर से नमक डाल के अच्छे से हम उसको मिक्स कर लेंगे और बॉयल होने तक छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से बॉयल आ जाएगी तो हम उसमें दूसरा चीज़ ऐड करेंगे। ये जो नाश्ता है मैं एक अलग स्टाइल में बनाया हूँ, एकदम नई स्टाइल में। आप देख सकते हैं मैं इसे 1 कप मापा हूँ, 1 कप सूजी है। टोटल मैं 1.5 कप सूजी इधर यूज किया हूँ, 1 कप डाल दी हूँ। और आपको भी इधर हम ऐड कर लेंगे, टोटल 1.5 कप सूजी डाला हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक डो बना के तैयार कर लेंगे सूजी को। सूजी हम लिए हैं पतला वाला सूजी लिए हैं, और आप चाहो तो मोटा दाना वाला भी यूज कर सकते हो। पतला बना दाना से बनाने से बहुत अच्छी बनती है नाश्ता। ये देखिए मैं अच्छे से उसको डो बना के तैयार कर दी हूँ। अभी हम उसको प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे, मतलब 10 से 15 मिनट हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में दिया हूँ 1 चम्मच ऑयल, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे जीरा गोटा जीरा, 2 से 3 हरी मिर्ची, 1 एकदम बारीक चपका दी हूँ उसको डाल दी हूँ। डाल के इसको हल्का सा हम चला देते हैं। ये देखिए मिर्ची हमारे जैसे ही हो जाएगी। तो हम इधर डालेंगे 1 मीडियम साइज प्याज, एकदम छोटा छोटा पीस करके काटा हूँ, उसको भी डाल देते हैं। और 3 से 4 करी पत्ता मैं इसको छोटा छोटा पीस करती हूँ, उसको डाल देते हैं। अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे, उसको हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। उसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा, जैसे ही गोल्डन हो जाएगी तो जैसे ही गोल्डन हल्का हो जाएगी तो हम उसको फ्राई करना है, ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना है, जलाना नहीं है, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगी। तब उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, उसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये हो जाएगी तो उसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ही धनिया डाला हूँ, 2 बॉयल आलू उसको मैं मैरिनेट कर दी थी, उसको डाल देते हैं। ये देख सकते हैं अच्छे से मैं मैरिनेट करके रखी हूँ, और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी यूज कर सकते हो, चाट मसाला भी यूज कर सकते हो, वो मैं सिंपल में बनाया हूँ। बहुत ही मैंने कॉमन चीज़ों से जो हम घर में अवेलेबल होता है डेली यूज़, जो भी हमको मसाला उसी से ही मैं बनाया हूँ, और बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप उस तरह से ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी बनेगी। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं डाला हूँ जो हम घर में अवेलेबल नहीं है। ये देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से ठंडा हो चुकी है, और उसको अच्छे से हम इस तरह से मसल लेंगे और सर्व कर लेंगे हाथ से इसके। इस तरह से उसको मतलब उतली नहीं रहना चाहिए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए। तो हाथ से अच्छी तरह से उसको मिक्स कर देना है और सॉफ्ट कर देना है। ये देखिए ये हमारा अच्छे से हो चुकी है। अभी हम उसको दूसरे प्लेट से अभी निकाल देंगे, निकाल के अभी रख देंगे। ये हमारा रेडी हो चुकी है, और अभी हम उसको प्लेट में निकाल देंगे और हाथ धो देंगे। ये प्लेट भी हम सर्व कर लेंगे। मैं दूसरा प्लेट में निकाल दी हूँ, ये वाला मैं प्लेट धो के उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दी हूँ। अभी हम उसी से ही अभी वो डो को से हम सेटिंग करेंगे। ये देख सकते हो टोटल मैं उठा दी हूँ, और उसको इस तरह से गोल गोल बना के अच्छे से उसको सेट कर दी हूँ। थोड़ा सा मोटा ही रखना है, जैसे हाथ से ये वाला उठ जाएगी तो अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम चारों तरफ से समान सेम मतलब सेम टेप को उसको दबा के एकदम गोल बना देना है,
आप चाहो तो उसको बेल के रोटी जैसा बना सकते हैं। हाथ से मैं अच्छी से सेप दे दी हूँ और एक ग्लास ले ली हूँ। इस तरह से हम काट देंगे और गोल गोल बना के तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हो मैं इसे ग्लास से उसको सेप दे रही हूँ। ये देखिए मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कितना मोटा होना चाहिए और अच्छी से निकलना चाहिए। ध्यान से उसको इस तरह से निकालना है और स्ट्रक उसको साइड में रख देना है। उसको भी हम इस तरह से सेम प्रोसेस में बना के तैयार कर ले हैं। ये देख सकते हैं ये बहुत अच्छी से हमारा निकल आई है। और दूसरा भी निकाल के देखा दूँ उसको हम भी हम प्लेट में रख देंगे। अभी दूसरा को निकाल के मैं देखा दूँ इस तरह से हम साड़ी बना के तैयार कर लेंगे। और हम कैसे बनाना है, रेडी करना है नाश्ता, मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छी से हम रेडी करेंगे जो बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा और सब बहुत अच्छी से खाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। एकदम अलग स्टाइल में आज हम बनाएंगे। देखिए मेरा 6 पीस निकला है। अभी हम आलू जो स्टफिंग तैयार कर रखे थे उसको भी एक छोटा सा हम उठाएंगे और गोल जैसे जैसे ही उसको सेप दे देंगे, टिक्का जैसा सेप दे के तैयार कर लेंगे। ये देखिए उसका साइज़ में ही थोड़ा सा ही छोटा बना के तैयार कर लेंगे हाथ से, नहीं तो इसको ऊपर में रख के उसको सेप दे देंगे। अब चाहो जितना मोटा आप दे सकते हो। ये देख सकते हो मैं हाथ से इस तरह से बना दी हूँ और वो वाला पीस हम अभी उठाएंगे। मैं दिखाती हूँ इसको ऊपर में रखेंगे और अच्छे से उसको सेट कर लेंगे। सेट कर दी हूँ और दूसरा पार्ट उसको ऊपर में हम रख देंगे। इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। देखने में जितना सुंदर है खाने में बहुत टेस्टी है। एकदम नॉर्मल चीज में घर में जो भी चीज़ है उसी से ही अच्छी बनाएंगे। देखिए सुपर टेस्टी नाश्ता ये हमारा बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अभी हम हल्का सा उसको फ्राई कर लेंगे, पैन में चढ़ा दी हूँ। उसमें हम थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है। बहुत कम ऑयल में आज हम नाश्ता बना के तैयार किए हैं। तो एक चम्मच से कम होकर मैं ऑयल में डाला हूँ और उसको भी हम डाल देंगे, एक एक करके रख देंगे। जैसे ही हमारे नीचे की तरफ हो जाएगी तब हम इससे साइड को भी पलटी करेंगे, अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। खाने में और भी टेस्टी हो जाएगी, बच्चे लोग को और सबको बहुत पसंद आएगी ये वाला नाश्ता। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसा लगा रेसिपी, रेसिपी भी आप लोग को अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जब भी मैं इसे लेवल पर डालूँगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी।